हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट 2022 अपडेट, यहाँ होना चाहिए 23, बट आप लोग 22 अभी बोल रहे हैं, 22 इसलिए टाइटल में डाला गया है। लेकिन आप समझ सकते हैं, मैं बता चुका हूँ कि इस साल एग्ज़ाम नहीं होगा, उसी का कारण लेकर के आया हूँ, बिल्कुल ऑफिशियल प्रूफ के साथ। आप लोग प्रूफ मांग रहे थे कि क्यों इतना लंबा लेट होगा, अगर लेट होगा तो क्यों जुलाई में नहीं हो सकता, क्यों अगस्त में नहीं हो सकता, क्यों सितंबर में हो सकता है, क्योंकि किसी यूट्यूबर ने शायद बोल दिया आप सितंबर में होगा, तो आप लोग सितंबर को लेकर के परेशान हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, मैं कई बार आपको बता चुका हूँ कि आपको बस पहचानने की ज़रूरत होती है कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। मैं भी चाह रहा था केवल अपना टेस्ट सीरीज या कोर्सेज बेचने के लिए आपको झूठा उम्मीद दिला सकता था कि हाँ जुलाई में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। लेकिन आपको मालूम होगा फ्रेंड्स, मैं शुरू से कह रहा हूँ जुलाई में मुझे पॉसिबिलिटी कम दी, जब अभी ये टेंडर और मामला सामने नहीं आता तब रेल मंत्री साहब ने अपने मुंह से कहा था कि हमने टेंडर का चयन कर लिया, मतलब नए ईसीए का चयन कर लिया है, एनसीईआरटी का चयन कर लिया, उन्होंने मुंह से बस बोले थे, बस ऑफिशियली कहीं से कन्फर्मेशन नहीं था। ठीक है, तो उसको लेकर के भी बहुत सी बातें की जाती है। मैं क्या बोला था, नया टेंडर हुआ है, नई एनसीईआरटी कंपनी आई है, तो फिर सब कुछ लेट होगा उसमें, चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि पूरा डेटा जो है 23 फरवरी तक जो टीसीएस के पास था, तो फिर एनसीईआरटी जब नई तरीके से आएगी तो उस डेटा उसके पास पूरा है नहीं, उसके पास नया डेटा लेना पड़ेगा, वैकेंसी प्रोसेस चेंज हो गया है, और भी चीज़ें बीच में है, जैसे कि मतलब फिर कोविड का भी लफड़ा बीच में सुनने को आ रहा है, बहुत से रीज़न थे। मैं बता रहा था जुलाई से एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा, आरआरबी वाइज एग्ज़ाम कराने की बात की जा रही है। तो मैं क्या बोल रहा था, अगर इस हिसाब से बहुत पहले एग्ज़ाम स्टार्ट होगा तो अगस्त से स्टार्ट हो सकता, उससे पहले पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, वो भी तब जब कोविड ना आए तब। और अगर एनसीईआरटी ही रहा होता, अगर कोविड आ गया होता, तो मैं बोल रहा था कि नवंबर कम से कम मान चल सकते हैं। वैसे मैं आपको बहुत पहले से बोलता आ रहा था कि एनसीईआरटी का औकात नहीं इतना बड़ा एग्ज़ाम कराने का, क्योंकि जब अभी एनसीईआरटी की बात नहीं आई थी रेलवे की तरफ से, जब फेक यूट्यूबर्स अफवाह फैलाने लगे थे कि एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगा, एनसीईआरटी एग्ज़ाम कराएगा, फेक आरटीआई रिप्लाई दिखा रहे थे, फेक ईमेल रिप्लाई दिखा रहे थे, तो वहाँ से मैं आप कंफर्म कर दिया था कि एनसीईआरटी कभी करा नहीं सकता है। और मैं डायरेक्टली आपको न्यूज़ का भी कटिंग दिखाया था, उसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि टीसीएस ही दोनों एग्ज़ाम कराएगी आपका, दोनों का तीनों, मतलब जैसे कि एनटीपीसी हुआ, मिनिस्ट्री आइसोलेटेड कंट्रीज हुआ और ग्रुप डी हुआ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, मुझे भी अगर चाहता मैं तो केवल अपने फ़ायदे के लिए, अपना टेस्ट बेचने के लिए आपको उम्मीद दिला सकता था, क्योंकि मैं भी, आपको मालूम होगा कि मैंने भी अपना ऐप वगैरह बनाया है, टेस्ट वगैरह बेच रहा हूँ। ठीक है, लेकिन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, और बहुत से लोगों ने बहुत कम समय में बहुत अच्छे टेस्ट खरीदे हैं। मैं वहाँ भी रैंकिंग करूँगा कि मेरे ऐप पे कौन स्टूडेंट कैसा है, कौन कितना टेस्ट दे रहा है, उसकी रैंकिंग क्या है। हो सकता है मैं आज का भी रैंक लिस्ट जारी करूँ कम्युनिटी टैब में। ठीक है, वैसे आज के मतलब मेरे ऐप के जो बेस्ट स्टूडेंट हैं उनका नाम है त्रिरंजन पति। ठीक है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सारे टेस्ट सीरीज खरीदे हैं, तीनों के तीनों, और टेस्ट भी अच्छा दिए, और भी लोग से खरीदे हैं, कोई दो खरीदा है, कोई एक खरीदा, अभी तक मैं केवल तीन पब्लिश किया हूँ। ठीक है, और सब पे ऑफर चल रहा है 30 अप्रैल तक। जो नहीं खरीदे हैं और इंटरेस्टेड हैं, पहले ऐप डाउनलोड कर लें, वहाँ पे उनको मिल जाएगा। मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करता हूँ, ना यहाँ फोर्स करूँगा, और मैं झूठा उम्मीद नहीं दिलाऊँगा अपने टेस्ट सीरीज की वजह से कि इस साल ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। ठीक है, तीन टेस्ट सीरीज कौन कौन से हैं मैं बता दूँ, एक ग्रुप डी का है जो हिंदी लैंग्वेज में है, एक ग्रुप डी का और है जो हिंदी इंग्लिश दोनों बायलिंगुअल है। ठीक है, एक एनटीपीसी CBT2 का है जो बायलिंगुअल है। तो आपको जो अपने लिए लगे सुइटेबल, आप उसे परचेस कर सकते हैं। ऐप तो आप लोग जरूर डाउनलोड कर लो, तो फ्री है, उसमें कोई पैसा नहीं लगता है। ठीक है, फिर वहाँ पे आपकी रैंकिंग की जाएगी। ठीक है, कि आपका क्या मतलब रिकॉर्ड है, कैसे आप वर्क कर रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर स्क्रीनशॉट वगैरह नहीं लाया उसका, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ कि जून 2023 से पहले जो है क्यों नहीं होगा एग्ज़ाम। तो ऑफिशियल प्रूफ देख लो, यानी कहने का मतलब है टीसीएस का शेड्यूल आप देख लो। आप लोग बोल रहे थे ना इतना लंबा कैसे टीसीएस बिजी रह सकता है, और अभी तक क्या है ऑफिशियल कन्फर्मेशन भी नहीं टीसीएस एग्जाम कराएगा, लेकिन मैं बता ही रहा हूँ कि अपने इंडिया में टीसीएस के अलावा कोई ऐसी एजेंसी है भी नहीं जो इतने भीड़ को हैंडल कर सके। ठीक है, तो 90% ऑलमोस्ट कन्फर्म ये टीसीएस ही एग्जाम कराएगी, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो हम टीसीएस का शेड्यूल देख लेते हैं कि टीसीएस कब तक कहाँ कहाँ बिजी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं एसएससी का कैलेंडर, जिसका मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जून 2023 तक जो टीसीएस बिल्कुल बिजी है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, देख रहे हैं आप CGL जो है 2021 का अप्रैल में था, CHSL 2021 आपका मई में था, मतलब देखिए SSC भी एक साल पीछे चला है, रेलवे तो 4-5 साल पीछे चला है, SSC भी एक साल अभी तक पीछे चल रहा है। ठीक है, MTS 2021 आपका जून में होने वाला है, सिलेक्शन पोस्ट फेज 10 आपका जुलाई में होने वाला है, और फिर हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम आपका सितंबर में, बीच में देख रहे हैं अगस्त गायब है। तो अब आप लोग कहेंगे अगस्त में क्या होगा,
तो फ्रेंड्स मैं बता दूं, अगस्त में जो है IBPS के एग्जाम्स, IBPS PO IPS क्लर्क ये सब एग्जाम्स उसमें रहेंगे, ठीक है। तो अगस्त महीना भी TCS का खाली नहीं, मैं जैसे बताया ना आप लोग को कि अपने इंडिया में मैक्सिमम एग्जाम्स जो है प्रेजेंट में TCS ही कराते हैं, जहाँ पे भीड़ अधिक होते हैं, मतलब जहाँ पे 10 लाख 12 लाख से अधिक होते हैं, 25 लाख 30 लाख भीड़ होते हैं, वहाँ पे TCS एग्जाम कराती है। और जहाँ पे कम भीड़ होता है, थोड़ा रेपिटेड एग्जाम होता है, तो उसका एग्जाम NTA कराती है, ठीक है। तो जो अगस्त महीना का आप लोग का सवाल था, अगस्त में बता दूँ फ्रेंड्स वो SSC कैलेंडर इसलिए नहीं है क्योंकि अगस्त महीना जो है ऑलरेडी IBPS ने ले लिया है, और IBPS सबसे बेस्ट है फास्ट प्रोसेस के नाम पे, मतलब यानी बैंकिंग सेक्टर सबसे बेस्ट है, बेस्ट ऑफ द बेस्ट है। अगर आप फास्ट प्रोसेस फास्ट ज्वाइनिंग चाहते हैं तो 7 से 8 महीने प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। SSC क्या है, 2 से 3 साल लग जाता है, और रेलवे देख रहे 5 साल से आप लोग घूम ही रहे, ठीक है। तो अगस्त महीना आप देख रहे हैं IBPS ले लिया है, फिर सितंबर बीजी, अक्टूबर बीजी, नवंबर बीजी, दिसंबर बीजी, ठीक है, जनवरी बीजी, फरवरी बीजी, यहाँ पर मार्च बीजी, अप्रैल, मई, जून, सब कुछ यहाँ पर देख रहे हैं ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, ऑलरेडी शेड्यूल हो चुका है, ठीक है। यानी कि TCS को अगर ये हायर करना चाहते हैं, अगर TCS एग्ज़ाम कराना चाहते हैं, तो अभी से इन्हें TCS को बुक करना होगा जुलाई से एग्ज़ाम कराने के लिए, ठीक है। अदरवाइज़ ये जुलाई से भी TCS को नहीं पा पाएंगे, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ ना, इकलौती ECI है अपने इंडिया में TCS जो बड़े बड़े एग्जाम्स कराती है, ज़्यादा भीड़ वाले एग्जाम्स कराती है। अगर रेलवे अभी से इसको हायर नहीं करता है, अगर किसी कारणवश TCS ने छोड़ दिया इसको, रेलवे को किसी कारणवश TCS ने मना कर दिया, टेंडर से बाहर निकल गया, तो फिर रेलवे एग्जाम में और भी अधिक देरी हो सकती है, या फिर ऐसे ही देरी होता रहा तो हो सकता है वैकेंसी ही कैंसिल हो जाए, जैसा आप लोग उम्मीद कर ही रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जब किसी वैकेंसी जब बहुत लेट लतीफ़ी होता है ना, यानी कि कहीं ना कहीं मंशा होती है गवर्नमेंट उसे कैंसिल करने का, जैसा कि आप देखोगे DIDO MTS 2019 में शायद आया था नोटिफिकेशन, वो 2022 आ गया, कहीं कुछ नहीं हुआ, अचानक उसको कैंसिल कर दिया गया। और ऐसा ही हाल आपका NTPC का भी हो सकता है, अगर यहाँ भी बार बार लफड़ा होता रहा, कोर्ट केसेस होते रहे, तो कुछ भी हो सकता है। वैसे पहली है तो उसके अभी कल है, तो उसके बात नहीं करेंगे, यहाँ ग्रुप डी एग्जाम की बात कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब आपको प्रूफ मिल चुका होगा कि जून 2023 तक आपका एग्जाम क्यों नहीं हो सकता है, जो भी एग्जाम होगा आपका ग्रुप डी का जून 2023 के बाद ही पॉसिबल है, ठीक है। वैसे मैं एक बार फिर से इसके अकॉर्डिंग, नए डेट के अकॉर्डिंग फुल शेड्यूल ला दूंगा ग्रुप डी का कि कब तक ज्वाइनिंग हो सकती है, अगर जुलाई 2023 एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो, जुलाई में 2022 नहीं 2023 में, फिर से कह रहा हूँ, अगर जुलाई 2023 एग्जाम स्टार्ट हो जाता है तो आपकी ज्वाइनिंग कब तक स्टार्ट हो सकती है। ज्वाइनिंग कंप्लीट वर्ड नहीं होता रेलवे में, कई बार बता चुका हूँ, क्योंकि रेलवे ज्वाइनिंग कभी कंप्लीट होती नहीं, हमेशा चलता रहता है, ठीक है। यानी ज्वाइनिंग कुछ लोगों का कब से स्टार्ट हो सकता है ये हम बात कर लेंगे, यानी फुल शेड्यूल का चर्चा कर लेंगे एक बार वीडियो में ग्रुप डी का, कि कब तक जो है ज्वाइनिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपसे यही कहूँगा फ्रेंड्स, आप लोग अगर कहीं प्राइवेट जॉब कर रहे हैं तो इन दोनों एग्जाम्स को छोड़े मत प्लीज़, मैं बार बार कह रहा हूँ, ये दोनों एग्जाम्स मतलब कि बहुत परेशान करेंगे आपको। जब तक आपके हाथ में एडमिट कार्ड नहीं है तब तक आप मान नहीं सकते कि आपका एग्ज़ाम होने जा रहा है, ठीक है। मैं आपसे यही कहूँगा, आप लोग अगर प्राइवेट जॉब कर रहे हैं बिल्कुल करिए, किसी अदर जॉब के पीछे भी पड़िए, केवल इसके भरोसे मत बैठिए, वरना रेलवे आपको बर्बाद कर देगा, आप बर्बाद हो जाएंगे एकदम, चाहे NTPC की बात कर ले या फिर ग्रुप डी की बात कर ले या फिर कोई अदर वैकेंसी रेलवे मिनिस्ट्री कैटेगरी देख लीजिए, उसका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, ठीक है। तो रेलवे का यही हाल है, पहले से है, इसमें कुछ नया नहीं है, अब थोड़ा और ज़्यादा लेट हो रहा है, पहले 2 साल वैकेंसी कंप्लीट होती थी, अब 5 साल में हो रही है, बस कुछ नया नहीं है। तो आप लोग से मैं यही कहूँगा, SSC के पीछे भी पढ़िए, SSC पर ही फोकस करिए, या फिर आप IBPS वगैरह भी देख सकते हैं, अपने स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज केवल ऐसे आप पढ़े रहेंगे इसके रेलवे के पीछे, तो कभी भी आप सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे अपनी लाइफ में, आप हमेशा परेशान ही रहेंगे, क्योंकि रेलवे का शेड्यूल ही ऐसा है, आप समझ नहीं सकते हैं। रेलवे को कोर्ट नहीं फोर्स कर सकता, आप एग्जाम जल्दी कराओ, जो चीज़ मतलब लॉ के अंदर होता है वही किया सकता है, ये रेलवे के अधिकार के अंदर कितने साल में कंप्लीट कितने साल नहीं कंप्लीट कराएगा, ठीक है। नोटिफिकेशन में नहीं लिखा होता है कि 1 साल के अंदर वैकेंसी कंप्लीट करानी करानी है, वो कहीं भी नहीं मेंशन होता है, इस पर कोर्ट कुछ नहीं कर सकता है, कोर्ट उसी पर कर सकता है जो बातें नोटिफिकेशन में मेंशन की होती हैं, और उसे अगर फॉलो नहीं किया जाता है और कोई उसके खिलाफ केस कर देता है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको प्रूफ मिल चुका होगा, आप लोग बार बार परेशान नहीं होंगे कि इस साल एग्जाम होगा कि अगले साल एग्जाम होगा, अफवाहें तो हमेशा फैलती रहेंगी, पहले ही फैली थी, अभी फैल ही रही हैं, हो सकता है कोई फिर से कोई ऑफिशियल नोटिस नाम पे कोई फेक नोटिस वायरल कर दे, जैसा कल अभी वायरल होता है NTPC 72 का, तो सर ग्रुप डी का फिर से कोई वायरल कर दे, ठीक है। कोई बोल सकता है अभी भी जुलाई में एग्जाम होगा, कोई बोल सकता है अगस्त में एग्जाम होगा इसी साल, मतलब कोई बोल सकता है सितंबर में एग्जाम होगा, लेकिन मैं बता दिया ना फ्रेंड्स कि अभी 1 साल आपको और इंतजार करना होगा ग्रुप डी एग्जाम के लिए, क्योंकि मैक्सिमम पॉसिबिलिटी यही आपका एग्जाम जो TCS ही लेगी, बाकी कोई नहीं लेगा, ठीक है। और NCERT ने खुद मना कर दिया, क्योंकि इतना बड़ा भीड़ हो हैंडल नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, 1 करोड़ से ऊपर कैंडिडेट्स हैं, तो उसका एग्जाम NCERT नहीं करा पाएगी कभी भी। मैं पहले से आपको बता रहा था NCERT औकात इतना बड़ा एग्जाम कराने का, आप लोग RPF चिल्ला रहे थे, RPF इतना भीड़ नहीं, जितना भीड़ इसमें ग्रुप डी में है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे, आप लोग प्रिपरेशन करिए, एग्जाम डेट के चक्कर में मत पड़िए। तो अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।